नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज जैसा कि आपकी डिमांड से ही मैं कुछ लेकर आई हूँ, मैं आज आपको आधुनिक और समकालीन कलाकार बढ़ाने जा रही हूँ, और उसमें मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ धनराज भगत। ठीक है, इससे आगे जो भी आपको पढ़ना होगा आर्टिस्ट, आप मुझे कमेंट करेंगे कि कौन से आर्टिस्ट को आपको पढ़ना है, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, मैं उसी को लेकर आऊंगी। सबसे पहली बात देखिए, एग्जाम हो चुका है एच टेट का, क्योंकि बहुत अच्छा आया था और उम्मीद करती हूँ मैं सभी का अच्छा गया है। बहुत अच्छा एग्जाम था, बहुत अच्छा पेपर था, तो सभी लोगों का अच्छा गया होगा। क्योंकि जहाँ तक मेरे पास मैसेज और फोन आए हैं जिन जिन लोगों के, तो उन लोगों का यही मानना है, उन्होंने यही बोला है कि पेपर बहुत अच्छा गया है और जितना मैंने पढ़ाया था सब वहीं से आया है। तो आगे भी मैं उम्मीद करूंगी जो भी अब आपका एग्जाम है यूपी टीजीटी पीजीटी का, इसमें भी आपका अच्छा ही जाए, बेस्ट से बेस्ट जाए, मैं उम्मीद करती हूँ। ऐसे ही आप पूरी मेहनत के साथ बढ़ते रहेंगे और आपकी मेहनत ही एक दिन आप रंग लाएगी और आप कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं धनराज भगत के बारे में। लिखेंगे सबसे पहले धनराज भगत। अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। जब भी किसी की जीवनी लिखेंगे आप, किसी भी आर्टिस्ट की, तो एक छोटा सा काम करना है, ऊपर सबसे ऊपर जन्म और मृत्यु का सन जरूर लिखें, ताकि कई बार ऐसा होता है पेजेस पलटते रहते हैं, तो उन पेजेस को पलटने में क्या होता है कि आपकी जब ऊपर लिखा होता है जन्म और मृत्यु, तो कई बार वो चीजें दिमाग में चलती जाती हैं और वो याद होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे जन्म हुआ था इनका 1917 में, मृत्यु 1988 ईस्वी। ठीक है, भारत के श्रेष्ठ मूर्तिकारों में से एक धनराज भगत को गिना जाता है। जब भी हम मूर्तिकारों की बात करते हैं तो धनराज भगत का नाम जरूर आता है, क्योंकि भारत के श्रेष्ठ मूर्तिकारों में इनकी गणना की जाती है। लिखेंगे सबसे पहले देखिए इनका जन्म 20 दिसंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्थान लाहौर, पाकिस्तान। अब देखिएगा, ये अध्यापक नियुक्त हुए थे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट। अध्यापक नियुक्त हुए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ये अध्यापक नियुक्त हुए थे। कब हुए थे? तो 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। देखिए इनकी जो पढ़ाई हुई थी, क्योंकि जन्म हुआ था इनका लाहौर पाकिस्तान में, इनकी पढ़ाई भी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से हुई थी, तो लाहौर से इन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद आप देखेंगे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में ये अध्यापक नियुक्त हो चुके थे। कब हुए थे? 1947 ईस्वी में। और ये सदस्य रहे ग्रुप, किस ग्रुप के सदस्य रहे और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक मूर्तिकार की, तो दिल्ली शिल्पी चक्र, दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के ये सदस्य रहे। और यहां पर ये इस ग्रुप के सचिव भी थे, सदस्य भी थे और मूर्तिकार भी थे। ठीक है, तो इस ग्रुप के सदस्य, सचिव और मूर्तिकार भी थे। इनकी पहली एकल प्रदर्शनी, पहली एकल प्रदर्शनी, इनके चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी 1950 में लगी थी। और कहाँ लगी थी? दिल्ली में लगी थी। पहली एकल प्रदर्शनी 1950 दिल्ली में लगी थी। और देखिए इनका जो मेन माध्यम था धनराज भगत की, इनका मेन माध्यम काष्ठ था, प्लास्टर था, ये सारे जो माध्यम थे इनके थे, प्लास्टर है, सीमेंट है, धातु है। धनराज भगत के माध्यम है मूर्ति के माध्यम है। ठीक है,
तो इनके मूर्ति के माध्यम से अब आगे लिखेंगे, इनकी प्रदर्शनी लगी, इसके बाद देखिए इनकी प्रदर्शनी लगी थी 1978 में, प्रदर्शनी 1978 ईस्वी में लगी थी। कहाँ लगी थी? ये भी दिल्ली में लगी थी, आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली, ठीक है, ये भी इनकी प्रदर्शनी दिल्ली में ही लगी थी। इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया था, प्रथम पुरस्कार, तो इनको जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था पंजाब ललित कला सोसाइटी का, पंजाब ललित कला सोसाइटी का इनको पुरस्कार दिया गया था, और कब दिया गया था वो भी देखेंगे, कब 1945 ईस्वी में इनको पंजाब ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब देखिएगा इनको गोल्ड मेडल मिला था 1948 ईस्वी में, गोल्ड मेडल 1948 ईस्वी में इनको गोल्ड मेडल दिया गया था, किसका? एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का इनको गोल्ड मेडल दिया गया था, ठीक है, इसमें लिख लेंगे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। अब देखिए इनको पद्मश्री मिला था 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में इनको पद्मश्री दिया गया था। और इनहोंने किस पद्धति में, इनसे प्रश्न आ जाता है, इन्होंने किस पद्धति में मूर्तियां गढ़ी, तो इन्होंने जो मूर्तियां गढ़ी थी वह गढ़ी थी यथार्थवादी पद्धति में, ठीक है, याद रखेंगे इन्होंने जो मूर्तियां गढ़ी उनका माध्यम था यथार्थवादी पद्धति, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, देखिए इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प, सबसे पहले लिखेंगे इनके मूर्तियों का जो संग्रह है मूर्ति शिल्पों का वो नई दिल्ली में है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, इनके मूर्ति शिल्पों का जो संग्रह है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। अब लिखते हैं प्रमुख मूर्ति शिल्प, प्रमुख मूर्ति शिल्प, तो इनके कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं माँ और बच्चा, ये श्रृंखला है इनकी, माँ और बच्चा, ये इन्होंने कास्ट में बनाई थी, मतलब लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी में इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और कब बनाई थी? 1948 ईस्वी में, कब? 1948 ईस्वी में बनाई थी इन्होंने, ठीक है। अब देखिए शिवा डांसिंग, ये प्लास्टर है इनका, काफी प्रसिद्ध रहा है शिवा डांसिंग प्लास्टर में। दूसरा आप देखेंगे सितार वादक सीमेंट में इन्होंने बनाया है, सितार वादक सीमेंट, सीमेंट सितार वादक इन्होंने सीमेंट में बनाया है, ठीक है। आप देखेंगे कॉस्मिक मैन प्लास्टर, प्लास्टर में बनाया है, कॉस्मिक मैन प्लास्टर में बनाया है, प्लास्टर कॉस्मिक मैन को इन्होंने प्लास्टर में बनाया है। और बांसुरी वादक, ये बेल्डेड कॉपर में बनाया है, बांसुरी वादक बेल्डेड कॉपर, बेल्डेड कॉपर में इन्होंने ये बनाया है बांसुरी वादक। अब देखिए इनकी कुछ और कृतियां थी, जैसे लोरी है, सांड है, मैं अन्य कृतियां लिख रही हूं इनकी, लोरी, सांड और बुल है, पंजाबी दुल्हन है, बुल पंजाबी दुल्हन, और घर की ओर, घर की ओर, घर की ओर महिलाएं,
महिलाएं, ये राजस्थानी महिलाएं इन्होंने बनाया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1988 ईस्वी में, ठीक है, मृत्यु 1988 ईस्वी में। तो ये एक प्रसिद्ध धनराज भगत, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, और भी इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। इनका पीडीएफ देखने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आज मेरी देखिए आवाज तबीयत डाउन है, इसलिए थोड़ी सी आवाज गड़बड़ा रही है। तो इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हम जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। इनके चित्रों से जुड़ी जानकारी, इनके चित्रों से जुड़ी संबंधित सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। और अधिक से अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्या पढ़ना है आगे उसको कमेंट करें। ठीक, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।